गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम सुहानी हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 12 करेंगे हॉकी। हॉकी का खेल तो आप सबने देखा ही होगा, ये हॉकी स्टिक होती है और ये बॉल, इससे खेलते हैं। हॉकी का खेल जगत में विशेष स्थान रखता है। यह मनुष्य के शारीरिक विकास के लिए उत्तम खेल है, क्योंकि एक आउटडोर गेम होता है, इसलिए इससे शारीरिक विकास होता है अच्छा। इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ियों में फुर्ती, सूझबूझ, संयम तथा सहयोग की भावना होना अति आवश्यक है, अन्यथा उस टीम को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। हॉकी की टीम को ये चीज़ें, इनकी भावना होनी जरूरी होती है, तभी वो जीत पाती है। भारत में इस खेल का प्रारंभ सन 1885 में हुआ। सन 1895 में वेटन कप टूर्नामेंट आरंभ हुआ, इसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया। ग्वालियर में इंडियन फेडरेशन की स्थापना हुई। सन 1925 में भारत की हॉकी टीम ने ओलंपिक में भाग लिया। ओलंपिक के खेल आप सब जानते ही होंगे। इस समय टीम के कप्तान यशपाल सिंह थे। इस ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला। सबसे पहले स्वर्ण पदक इसमें ही मिला था भारत को, हॉकी में। फिर यह टीम इंग्लैंड गई। इंग्लैंड में इस टीम ने 11 में से 9 मैच जीते। यूरोपीय लोग भारतीय खिलाड़ियों की चुस्ती, तेजी और टीम भावनाओं को देखकर हैरान हुए। लॉस एंजेल्स ये अमेरिका में है, में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। भारत ने जापान को 11-4 से तथा अमेरिका को 24-1 से हराया। अब तक किसी देश ने इन देशों को ऐसी पराजय नहीं दी थी। इस मैच में ध्यानचंद ने 8 तथा रूप सिंह ने 10 गोल किए थे। इन खेलों में भारतीय टीम का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा था। सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ। भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया। इस टीम के कप्तान ध्यानचंद थे। ध्यानचंद बहुत मशहूर खिलाड़ी थे हॉकी के। जब ध्यानचंद की टीम लगातार गोल करती जा रही थी, तब दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाकर कहा, ध्यानचंद के हाथ में जादू की छड़ी है। यानी कि वो बहुत ही अच्छा खेल रहे थे। ध्यानचंद के खेल की चतुराई को देखकर स्वयं हिटलर ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर बधाई दी थी। कक्ष मतलब कमरे में। हिटलर जो थे उस समय जर्मनी के तानाशाह थे। सन 1960 में भारतीय हॉकी टीम इस खेल में पतन की ओर बढ़ने लगी, मतलब कि खेल में गिरावट आने लगी। सर्वप्रथम भारत पाकिस्तान से हारा। सन 1968 में मैक्सिको में जो खेल हुआ, मैक्सिको एक देश है, उसमें भारत को तीसरा स्थान मिला। सन 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम को 7वां स्थान प्राप्त हुआ। हालांकि सन 1980 में मास्को ओलंपिक में भारत ने सफलता प्राप्त कर ली थी, परंतु अब इसका प्रभाव घटने लगा, मतलब कि कम होने लगा। भारत हॉकी के खेल का शिक्षा गुरु रहा था। शिक्षा गुरु मतलब उसी ने सिखाई थी। इस खेल को खतरे से भरा देखकर भारत के स्कूलों तथा कॉलेजों में छात्रों की रुचि इस खेल से हटने लगी, क्योंकि बहुत खतरे का खेल है। जब तक भारत के खिलाड़ी इस खेल में रुचि नहीं लेंगे, तब तक वे अपने पहले स्थान के यश को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यश मतलब गौरव, नाम, रोशन। भारतीय खिलाड़ियों को चाहिए कि वे इस खेल में रुचि लेकर भारत का नाम संसार में चमकाएं। अब हम इसकी वर्कशीट करेंगे, शब्दार्थ करेंगे। सबसे पहले जगत, संसार, उत्तम, सबसे अच्छा, आरंभ, शुरू, प्रदर्शन, दिखलाना, पराजय, हार, प्रभाव, असर, यश, गौरव, सर्वप्रथम, सबसे पहले, स्थान, जगह। हॉकी के खेल का प्रारंभ भारत में कब हुआ? भारत में हॉकी के खेल का प्रारंभ सन 1885 में हुआ। सर्वप्रथम भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता? सन 1925 में ओलंपिक के खेलों में भाग लेकर भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ध्यानचंद के हाथ में जादू की छड़ी, इस बात का क्या अर्थ है? सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ। जब ध्यानचंद की टीम लगातार गोल करती जा रही थी, तब दर्शकों ने जोर जोर से तालियां बजाकर कहा, ध्यानचंद के हाथों में जादू की छड़ी है। इसका अर्थ है कि ध्यानचंद बहुत अच्छा खेलते थे। भारतीय हॉकी टीम इस खेल में पतन की ओर कब अग्रसर हुई, मतलब कब आने लगी? सन 1960 में भारतीय हॉकी टीम इस खेल में पतन की ओर बढ़ने लगी। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। वेटन कप टूर्नामेंट कब प्रारंभ हुआ? 1885 में, 95 में या 76 में? 1895 में। इंग्लैंड में भारतीय टीम ने 11 मैचों में से कितने मैच जीते थे? 8 मैच, 9 मैच या 11 मैच? 9 मैच। अमेरिका को भारतीय हॉकी टीम ने कितने गोल से पराजित किया? 24-1 से, 11-1 से या 20-2 से? 24-1 से। सन 1968 में मैक्सिको में हुए खेल में भारत को कौन सा स्थान मिला था? 5वां स्थान, दूसरा स्थान या तीसरा स्थान? तीसरा स्थान। थैंक यू।